होनी चाहिए, केवल खास जगह नहीं और खास जगह नहीं। तो वो इसलिए इसकी हमें साधना करनी पड़ती है। ओमनीपोटेंट ईश्वर सत्ता के दर्शन में ये बिंदु साधना की स्थिति में आपके क्लियर हो रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट बोथ प्रेजेंट एंड एक्टिवेट ऑल सिस्टम्स कमांड्स, ये वाली बात चल रही थी। तो वो हमें बिंदु साधना का अभ्यास करना चाहिए। डायमंड स्पेस में ख्याल करते हैं तो अब कण कण में हर परमाणु में कहीं भी देख सकते हैं, तो उस हालत में अच्छा बुरा का भेदभाव खत्म हो जाएगा। सत्ता के अच्छा हम लोग को सत्संकल्प पाठ गुरु जी करवाए, रोज हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते भी हैं। पहला ही सत्संकल्प क्या है? ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को अपने में स्वीकार करें और न्यायकारी सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी मानने वाला एकांत में भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि देखेगा कि यहां ईश्वर तो देख रहा है और मैं तो देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी कितना आमूल परिवर्तन आएगा। और हर जगह है तो आनंदित होगा, आनंदमय है, शांतिमय है, उसका अनुभूति का लाभ है। सुख में दुख में आनंद का लाभ है। हम लोग दुख में भी गिड़गिड़ाने लगते हैं इसलिए कि आशक्त हो जाते हैं कि वहां पर शरीर से अपने आप को बांध के रख रहे हैं। शरीर से कष्ट होगा, शरीर से आसक्ति होगी, मन से आसक्ति होगा, मन का कष्ट होगा, धन से आसक्ति होगा तो धन कोई चुरा लेगा, लूट गया तो धन का कष्ट होगा। इस किताब में सर से यहाँ पर पड़े गए थे, कोई कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसको शरीर से आसक्ति नहीं थी, इसलिए शरीर का कष्ट नहीं। तो आसक्तियों को छोड़ने को ही तपस्या करते हैं। तपस्या मैंने हाथ पांव सीधा टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं, तीन तपा। अब देखिए ऊर्जा का उपनिमन कैसे करते हैं, तो उसमें कष्ट से ऊपर उठ जाएगा। अपने आप को कष्टों से ऊपर उठाना हो तो भी ये चक्र साधना में आएगा, कला साधना में भी आता है। तो जैसे सात को बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर है पृथ्वी तक, इसको भू एक नए स्टाइल में समझें, भूआ सात लोग, स्व मह जन तप सत्यम, एक अलग सीक्वेंस है समझने का। कैसे भूख में यदि अपनी चेतना को लगाए होंगे, वृत्ति सारूपम इतरता, पतंजलि ने कहा कि आत्मा का आत्मस्वरूप का एक स्वभाव है चेतना का, कि चित्त वृत्तियों के निरोध करेंगे तो उसको अत्यंत शांति आनंद मिलेगा। और कष्ट तभी होता है जब किसी से अपने को अटैच करे, रिक करे, तो वह चेतना किसी वस्तु से मन से बुद्धि से अहंकार से चिपक जाती है तो अपने स्वरूप को भूल जाए, उसी को अपना मान लेगा कि मैं शरीर हूँ मानने लगता, मैं मन हूँ, मैं प्राण सब मानने लगता। तो वृत्ति सारूप्यम की तरह उसके सिवा किसी भी चीज के साथ जुड़ा रहेगा तो उसी के अनुसार अपने आप को मान्यता बना लेता है, वृत्त बना लेता है। तो अपने आप की सत्ता को भू में देखेंगे, यहाँ पर भू में मैंने जितने भी ब्रह्मांड में पार्टी की साइंस सब भू में, और अपने शरीर के भी सारे भू में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके सारे परमाणु आपके भीतर में ध्यान करेंगे तो आ करके और शरीर के भीतर में प्रवेश करके और जितना भू है उसको मजबूत करेंगे। यानी हड्डियों में कोई रोग हो, मांसपेशियों में रोग हो तो मूलाधार पर ध्यान करके ठीक किया जा सकता है। सारी कर्मेंद्रियां पृथ्वी तत्व से बनी है, भू से बनी, जो पार्टिकल है पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, काम करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान करके प्रकाश का उसकी किरणों को आप अपने हड्डियों में जाकर के दधीची की तरह तपा दीजिए, एकदम तीरा डायनामाइट की तरह कर, 4000 वर्ष तक हड्डी नहीं खराब होने चाहिए। नर्व बॉडी में रिस्ट्रिक्टरी में 1500 वर्ष तक फेफड़ा खराब नहीं होना चाहिए, 200 वर्ष तक हार्ट की आयु है, 250 वर्ष तक किडनी की आयु है, चमड़े की आयु हो, 1000 वर्ष लिखा है। ऐसे मसाला से भगवान बना है, हम लोग रफ यूज करके जल्दी से खत्म कर दिया। जब ढेर लंबा पार्ट्स लगाएगा इसे तभी ना 100 साल का गारंटी देगा,
कि कितना वो रिफ्यूज करेगा तो 100 साल तक यही लेगा, यानी हम लोगों ने महा रिफ्यूज किया इस सब का। तो उसको इसी तरीके से आप ध्यानात्मक भी प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे तगड़ा, प्राणाकर्षण किया गया सारे भूलोक से और शरीर के भीतर में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स परमाणु आकर के आपके भीतर के बहुत तत्व को, कर्मेंद्रियों को बहुत मजबूत कर दिया, सारा जो सॉलिड पार्टिकल्स भूवा कहते हैं विचार प्रणाली के, ये भू हो जाता है, ये पृथ्वी तत्व हो जाता है। यहाँ मूलाधार जब तक पेट भर जाए, एक मिनट में सत्संग से देखिए, एक सेकंड में हो गया, यदि पका हुआ साधक है तो एक सेकंड में चार्ज कर लेता है, निमिष मात्र। अभी ध्यान की गति पर नियंत्रण नहीं है तो धीरे धीरे ठंडाना लगता है। अब एक सेकंड के हजारवें समय ध्यान में चले जाते, कहीं भी रोड पर कोंपा बज रहा है हमारे ध्यान लग जाएगा कैसे, और यदि अभ्यास नहीं रहता तो बंद करवा देगा, हल्ला गुल्ला बंद करो, ध्यान लगा तो कब तक बंद होगा, हल्ला गुल्ला संसार तो चलते ही रहेगा, हम ही अपने पैसा क्यों ना बना लें, ईश्वर हर जगह है तो हर जगह शांति को प्राप्त, ईश्वर शांति में है तो अपने स्तर को ही ऊंचा उठाना पड़ता है। हम अपने जैसा संसार को नहीं बना सकते, लेकिन संसार में अपने को एडजस्ट करने लायक बना सकते, ये बिल्कुल सरल तरीका है। तो वो भूवा विचार इससे जैसे उठेंगे तो विचार जगह साधक को प्रभावित करता है, विचारों से प्रभावित होता है, तो कहा जाता है कि स्वाधिष्ठान के चक्कर में फंस गया, विचारों के चक्कर में फंस गया, ऐसा बोल दिया है, टेंशन कर दिया है, मन से निकल नहीं रहे, इसके भंवर में ये डूब उतर आ रहा है विचारों का प्रॉब्लम। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव विचारों का कोई वैल्यू नहीं है, दोनों जरूरत है, गिरफ्तार निर्दिता दोनों संसार को बैलेंस करने के लिए चल रहे हैं, जब जरूरत पड़ी तब उसका लाभ ले लिया, जब जरूरत पड़ी इसकी लाभ लिया, अर्थिंग कमजोर है तो उसका लाभ ले लिया, प्लस वाय कमजोर है तो इसका लाभ ले लिया, दोनों को हम श्रद्धापूर्वक कीजिए। तो विचारों से अपने आप को साक्षी भाव जैसे जैसे रखेंगे ऊपर उठेंगे, विचारों को प्रश्न करें, विचारों को देखें, निगेटिव विचार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हम उसमें टपुआ फंसा लेते हैं, उतना जल्दी बिना मीटर लगाए वाला टपुआ फंसा लेते हैं, तो हम कहते हैं निगेटिव विचार आ गया, आपके लिए थोड़े आ रहा था, वो दूसरे के लिए जा रहा था, और उसको आपने फंसा लिया रोक करके, तो वो जाके कहता था देखो हम तुम्हारे लिए आ रहे थे, पीछे एक लफुआ ले लिया, फंसा के ले लिया, इसलिए रोक दिया, तो हमें कुछ ही नहीं करना है, वैसे विचारो जो अपने काम लायक है उससे ट्यूनिंग कर लो, अनंत तरह के प्रवाह दौड़ रहे हैं पीछे, अपने लाइफ चैनल से ट्यूनिंग करके माइंड क्रिस्टल है उसको पकड़ना है, तो मैं केवल साक्षी भाव में देखें तो विचार जगत से ऊपर उठ जाता है, केवल इस चक्र से ऊपर उठने वाला साधन, एक एक लोक है वो पृथ्वी लोक, इससे सूक्ष्म होता है विचार लोक, क्योंकि फोटॉन से एटम्स बने, इससे जहां लोग ठहरे तो भाव लोग आएगा, भाव जगह, विचार से सूक्ष्म होता है भाव, मंत्र बोल रहे हैं तो कितने लोग कहता है उल्टा पुल्टा गायत्री मंत्र बोला गया तो क्या हो गया, बोला गया तो लड़का पानी मांगने नहीं आ रहा है, पानी मांग लिया तो मम्मी अनिल आएगी कि पानी ही देगी, वो बिल्कुल तो जानते हैं ना कि मम्मी जी क्या मांग रहा है, तो इसलिए भाव जगत में जाने पर विचारों का कोई मायने नहीं रह जाता, तो उसे बहुत सुप्रीम होता है, तो पदार्थ जगत की सत्ता यहीं पर खत्म होती है, यही दिन है स्थिर सूक्ष्म कारण, इसके बाद तो मजे वाली यात्रा से होती है उन चक्र, इसलिए यहां पर भावात्मक भावनाओं से ऊपर उठने वाली भाव जगत में भी हमें बहना नहीं चाहिए, और उससे ऊपर की यात्रा हमारी, तो वो भावनाओं एक रहता आह्लाद रहता है, एक एक लहर रहती है, और वो जाकर के एक प्रबुद्धता और बहुत अंतर तूफान रहता है, वो विचारों को महत्व नहीं देता, जो ठान लिया है कि सुसाइड करेंगे करेंगे सर, तो उसको कितनों समझाइएगा, दिन में मान जाएगा रात पर जाइए और फिर सुसाइड कर ले, भावनाओं का बॉन्ड ऐसा होता है वो किसी बात को नहीं मानता बस, तो इसे बहुत तगड़े तगड़े, तो वो इसके भंवर में डूबने वाला भी आत्मिक लेयर को नहीं पा पाएगा, तो इसको ऊपर छिड़ते हैं ये महान कहलाता है। अब इसके बाद यहां तक कहा है ऋषियों ने, ये राम जी को पढ़ा रहे थे महर्षि वशिष्ठ, जो वशिष्ठ ने कहे कि हे राम, चार तरह के
ये होते हैं अहंकार, इसके ऊपर उठना पड़ता है। आपाद मस्तकम हम माता पितर विहीन का, यानी इसका अहंकार रखने वाला बारह जन्म लेगा। मैं अमुक माता पिता कुल गोत्र जाति वर्णाश्रम उपाड़ी का हूं, यानी अपनी व्याख्या स्थूल सूक्ष्म कारण तक ही अधिक से अधिक कर रहा, इसके ऊपर आत्मिक सत्ता के रूप में अपने नहीं फील कर रहा हूं, तो इसलिए इसको अपग्रेड करो, ट्रांसम्यूट करो। तो अहंकार है, यह है अहंकार का लय, अहम महा है कि महान अहम का अंत जहां पर होता महा में आता, यह आता है कि अतीत सर्वभावे व्यो, भावनाओं से परे इसको रिफाइंड कर देंगे तो भावनाओं को ट्रांसमिशन होता है, ईगो का ट्रांसमिशन इसमें होता है। स्वबोधत्व, स्वबोधत्व, स्वबोधत्व का लेयर है ये जगत। इसके लिए एक वाक्य दिया है कि हे राम, अपने आप को ऐसा समझो कि अतीत सर्वभावे व्यो, सारी तरह की भावनाओं से मैं परे हूं। बाला ग्रंथ अपि अहं तनु, एक बाल के अगले लोक के सोमा धतान सोमा के बाद सूक्ष्म मुझे संसार की कोई भी शक्तियां छू तक नहीं सकती, इतना शक्तिशाली है। नहीं जन्म सृजन भी सत्रे न हमने रहने वाले शरीर, कुछ नहीं हुआ, अपनी सत्ता को याद करो, आत्मा के एक सूक्ष्म परमाणु के रूप में तुम हो, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जहां परमाणु की भी सूक्ष्मता का आप यानी शून्य की इकाई को आत्मा कहते हैं, ऐसा समझ। और वह शून्य बिल्कुल शून्य नहीं है, गुरुदेव ने कहा है कि शून्य है, इतना उसमें हाई ग्रेविटी है, डेंसिटी इतना है कि अनंत ब्रह्मांड निकाल सकता है। कल बच्चों की तरह साबुन का बुलबुला छोड़ा तो ढेर सारे ब्रह्मांड निकल गए और फिर शून्य तो विलीन हो गए, तो वो पूर्ण मदा पूर्ण निकल पूर्ण यानी शून्य हो गया, उससे पूर्ण दिया, और पूर्ण से पूर्ण निकाल दें तो भी पूर्ण रहेगा, ये तभी संभव है जब कोई शून्य हो, पूर्ण को कितना डिवाइड करें तो पूर्ण ही रहता है, यदि पदार्थ रहता है गिनती रहता तो संख्या घटता, इसलिए शून्य को कितनाओं से डिवाइड करते रहेंगे उसमें उसकी इनफाइनिटी अवस्था बनती जाती है, ये देखते हैं सब जगह। तो कहीं ऐसा नहीं कि हम स्वबुद्धत्व में संसार के भीतर में अपने आप को वैराग्य वाला स्थिति ला दें, तो ये भी बंधन पड़ सकता है, ईश्वर को नहीं छू सकता कि अपने आप को एक पार्टिकल के रूप में और संसार से अलग हो, भावनाओं से परे हो, जब ईश्वर भावनाओं में ही देख रहे हैं यहां पर अंतर, ये अपने को मान रहा है कि भावनाओं से परे हूं और एक सूक्ष्म परमाणु हूं और एक आत्म तत्व हूं, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है, भावनाओं में विचारों में सबके पदार्थों में हर जगह है, इसे ईश्वर से दूरी बनी रहती है तो इस भंवर में मत फंस जाए। तो अगला राम को शिक्षण दे रहा है और पीजी कक्षा में अपने जाने लगे, कह के हे राम ये जना है विशुद्धि चक्र यहाँ पर, इसमें कहते हैं जना लोक वाला, इसके लिए तो भावना करो, यहाँ पर था अतीत सर्वभावे व्यो, उसमें आपको भुला मत जाए, अतीत सर्वभावे व्यो ये वाला सूत्र भावे व्यो, इसमें जगत जाल पदार्थ आत्मा ये होता है, इसमें जनह लोक विश्व विश्वात्मा जनह लोक, जगत जाल पदार्थ आत्मा, सारा संसार ऊर्जा से बना हुआ है पदार्थ, जगत जाल पदार्थ आत्मा अहम एवं अक्षय, उसकी आत्मा मैं हूं और मैं अक्षय हूं अविनाशी, देखें पूरे सृष्टि को अपने आत्मा मानो, अपनी चेतना से पूरे विश्व को सारे सृष्टि को ब्रह्मांडों को प्रकाशित करो तो भी तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये केवी टेक्निक है और मोक्ष मिल जाएगा, तो सारे मोक्षदायी अहंकार है, इसको अहंकार योग की साधना कर और यह वासना पढ़ने लगे, उसकी वासना से साधक गिरता भी है और वासना से साधक उठता भी है, यदि वासना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो साधक का प्राण क्षरण होगा, जो भी कुंडली उपनिषद में आप पढ़ेंगे कुंडली जागरण वाला में उसने भी वासना बढ़ाने को कह रहा है, और वासना का कर अभ्यास वासना तरंगी बहुत सारे वासना के अभ्यास से साधक बहुत साधक को पार कर जाए, तो वहां वासना शब्द लिया है कि ये वासना नीचे था उस वासना को इसके साथ जोड़ो, तो वासना का ट्रांसम्यूटेशन काम शक्ति का उद्धरण उतना ही चिपकाव, जितना चिपकाव संसार को था उतना चिपकाव यदि ईश्वर से प्रति कर दे तो एक जुनून बढ़ा,
अमीर खुसरो महबूबा कहते थे ईश्वर को, ऐसा संबंध क्यों नहीं जोड़ रहे जिसके लिए तुम सब कुछ दे सकते। मीरा ने पति कहा, सखा कह दिया उन्होंने, इन्होंने बाल सखा ग्रुप में लिया। तो अपने संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रेम अत्यधिक प्रगाढ़ हो, यानी आनंद में उसकी साधना प्रेम की प्रगाढ़ता की साधना है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो करना उगड़ा होते जैसा लगता है उसके दोस्त हो। तो ध्यान की अवस्था में ईश्वर से बेस्ट फ्रेंडशिप आगाध हो और बाहर खुले तो सारे प्राणियों से प्रेम हो, यानी प्रेम के साथ तन्मयता जोड़ दिया जाए तो आनंद की वृद्धि हो जाएगी। तो प्रेम के डायमेंशन को बढ़ाने को आनंद में कुछ की साधना करते हैं, क्लियर हो रहा है? तो वो आगे बढ़े तो जगह लोग से प्रेम कर रहे हैं यहाँ पर, यह है जगत जाल पदार्थ आत्मा, उसका ऐसा है जगत जाल के श्लोक है इसका, जगत जाल पदार्थ आत्मा सारे सृष्टि की मैं आत्मा हूं। तपा लोग अनाशक्त लोग है, कहीं ऐसा नहीं कि पूरे सृष्टि में आसक्त तो हो जाए, और सृष्टि तो परिवर्तनशील है, शून्य है, तो शून्य को सही मान करके वो आसक्त हो गया। राम जी को वैराग्य हो गया था संसार से और अर्जुन को राग हो गया था संसार से, दोनों 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 ही दिशा ग्रस्त थे, कमाल की बात है। अर्जुन भी दिशा ग्रस्त है क्योंकि वो हो गया है राग से, और राम जी भी दिशा ग्रस्त है वहां क्योंकि तो वैराग्य हो गया है संसार से, दोनों दोनों विषादग्रस्त था। और जैसे ही विषादग्रस्त होते हैं तो ईश्वरीय सत्ता कोई ना कोई प्रकाश की किरण भेजती है उनको उठाने के लिए, वहां कृष्ण उसको वैराग्यात्मक शिक्षा दे रहे हैं, तो यहां पर शिष्य रागात्मक शिक्षा दे रहे थे कि तुमको वैराग्य कहां से हो गया, जब संसार है ही नहीं तो वैराग्य क्यों हुआ, सर्व सृष्टि का है। वहां भी कर दिया कि जिसको तुम सोच रहे हैं कि मारा जाएगा उनको, उसकी सत्ता ही नहीं है तो मराएगा कौन, और आत्मा मरती नहीं, इसलिए उसको भी यहां की बलि ला दी। तो तुम पदार्थ तो जो जगत था उसकी तुम आत्मा बनो, तो रगात्मा शिक्षण दिया यहां। स्त्री पुरुषों से वैराग्य उनको हो गया था, शरीर से खाना पीना तक छोड़ दिए थे राम जी ने, जॉन्डिक्स हो गया था, जब गए थे कि स्वामित्र मांग ने तो पीलिया रोग हो गया था राम जी, क्योंकि पता नहीं भेजे थे वर्ल्ड टूर में और उधर से पता नहीं कौन कौन महात्माओं को भाषण सुन लिया है और खाना पीना छोड़ दिया है, वैराग्य हो गया इसे, और आप भी आगे मांगने के लिए हमको कहीं स्वस्थ नहीं जा चलते, नहीं वही चले, खाना पीना नहीं खा रहा है, बिल्कुल मरी है, बुलाइए तो हम देखें क्यों नहीं खा रहा है, क्या सोच रहा है, भरी सभा में राम को बुलाएगा, 16 वर्ष की आयु में थे और वहां पर जनक भी बैठे थे, वो भी बैठे थे और सारे और भी वशिष्ठ भी बैठे थे, विश्वामित्र भी थे और अंतरिक्ष में देवर्षि नारद वगैरह भी सुन रहे थे, क्या रे ये देखो मजा आने वाला। तो राम जी से पूछा गया कि आखिर तुम क्या सोच करके संसार से वैराग्य लिया, तो इतना वैराग्यात्मक शिक्षण दे दिया है, हर मांस के कबाड़ के हिस्से में क्या पैरा गए, बचपन से हम क्या आसक्ति करें, कोई भी डांट देता है, बुढ़ापा से क्या आसक्ति करें, कोई चिढ़ाते रहता है, और जवानी से क्या आसक्ति करें, जो हमेशा ही अपने आप को मदहोश बेहोशी में भुलाए रहता है, संसार की हर चीजों को फालतू बता दिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुमको तो वैसा ही ज्ञान हो गया है अपने मन चिंतन से जैसे सुखदेव हो गया, ये सुखदेव कौन था और सुखदेव के बारे में कुछ न लगे, तुम कहते हैं कि देखो एक जनक यहाँ पर बैठा है ना, 10,000 वर्ष पहले उस समय के जनक था, यानी जनक की परंपरा है, और उसका सिलेक्शन होता था बनारस में, लिखे हैं बड़ी, और उस प्रदेश का उस एरियाज का उसको बनाया जाता था शासक, जो ब्रह्मज्ञानी भी हो त्यागी भी हो ऐसे व्यक्ति शासक बनते, तो उस समय के जनक के पास आया हुआ था, उस समय के व्यास का लड़का एक व्यास यहाँ बैठा है और वो सुखदेव था ऐसा तब ज्ञानी है, अंत में बताया है कि हे वशिष्ठ आप ले जाकर पहले इसको ज्ञान दीजिए, बलादि बला विद्या में बला विद्या का लाभ दीजिए इसको, और ज्ञान कितना विस्तार कर दिया है जो वशिष्ठ ने, तो मानस में नहीं हो जो वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने सारे ग्रंथों को भाष्य कर दिया, हम लोग अध्ययन करनी चाहिए एक एक करके, पहले उपनिषद को आधार में रखना चाहिए जरूर, क्योंकि आत्मा के क्षेत्र में आगे भागना। तो यह बात, तो यह अनाशक्त लोग है, संसार में हम प्रेम तो करें सबसे लेकिन अनाशक्त है, जैसे संसार में सारे ह्यूमन बींग्स हैं, बॉडी है, पार्टिकल्स है, वो है, बाजार है, फल है, फूल है, सारा संसार में वैरायटी वैरायटी के लोग हैं, हमको प्रेम करनी है तो इसको प्रेम किया, टच किया और आगे बढ़ गए, जहां प्रेम करके गोल गोल घूमने लगते हैं तो वृत्त बन जाते हैं, तो फिर आगे यात्रा रुक जाती है, इसलिए चित्त को वृत्त बनने से रोको, चित्त को वृत्त सर्कलाइज करने से रोको, ईश्वर टेंजेंशियल प्रेम करता है, कहीं पर गोल गोल घूमता नहीं है, सारे संसार को छूता है और टेंजेंस में रहेगा, वही चक्का चलाएगा, जिसे मान लीजिए चक्का है संसार का,
ये संसार का कोई चक्का है, ऊपर जो चलाने वाला है ये चक्र, ये भी एक चक्का है। तो ये दांत वाला चक्का इसको ऐसे तभी घुमाएगा जब ये उल्टा घूमता रहेगा। संसार को चलाने वाला पेड़ तो अपने आप को उल्टा रखता हो, रिवर्स गियर में तभी चलाता है इसको विषय को। तो ये सिस्टम ने बात रखी थी इसको हम चलाएं या फिर जाकर किसी को यदि रोड फेरना है तो सभी को फेर सके पार्टी इसको। तो वो टेंजेंशियल प्रेम साधक सीखता है प्रगाढ़ प्रेम करे, लेकिन वो राउंडेड मत लगाने लगे उसको, उसी से भी चक्कर में फंसे। तो चक्रवात से इसलिए कहा जाता है कि ये सारे चक्कर कहलाते हैं। कौन से चक्कर? चक्कर को चक्कर चक्र कह दिया गया है, भावनाओं के चक्कर में, विचारों के चक्कर में, इमोशनल भावना फंस गए। इन चक्रवातों से छूटने के लिए भी वही ज्ञान का प्रज्ञा के द्वारा इसको स्वाध्याय मन चिंतन से ले जा रहा है, अभ्यास करने लगेंगे तो बढ़ जाता है। अनाशक्त लोग कपा की व्याख्या किया है उपनिषद में, टाइम देख लेते हैं समाप्त कर देते हैं। और आज अंतिम दिन है, 9:50 ठीक है, तो आप प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, एक मिनट इसको समापन करते हैं। तपस्या क्या? उसमें भगवान बता रहे हैं उसकी तपस्या की परिभाषा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रत्यक्ष ज्ञानाभिनय। इसके प्रत्यक्ष अग्नि से ईश्वर सत्य है, सारे संसार से वेव्स हैं, तरंगे हैं, शून्यात्मक हैं, ऊर्जा का स्वरूप है और इसे ईश्वर एक सत्य है। तो वो वाली कृष्ण को प्रत्यक्ष ज्ञान के अग्नि से बुद्धत्व हो जाए, इस ज्ञान के अग्नि से क्या करें? ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प भी संताप तपा, ब्रह्मा लोक करके ऐश्वर्य को सिद्ध करने वाले जो संकल्प होते हैं उसको, उस संकल्प को बीज को जला डालना तपस्या है। इसलिए गीता ने कहा कि ब्रह्मा लोक तक के पुनरावृत्ति, और मैं चिकित्सा को दे दिया कि सारे देवताओं का स्वर्ग ले लो, राज ले लो, सुख रहो, उसके बाद का एक वहां दिन हमारा क्या होगा ये बताइए। तो जो सारे सुख संपदाओं को, विभूतियों को, पदों को ठोकर मारने की सामर्थ्य रखता है वो अनाशक्त है, और अनाशक्त व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। बहुत अनाशक्त कर्मयोग, अनाशक्त अवस्था में जब तक नहीं रहेंगे, प्रज्ञा में अस्तित्व यहाँ तक नहीं रहेंगे, तो सारा कर्म पाप पर निर्णय फंस जाएगा, या तो पॉजिटिव करेंगे या निगेटिव करेंगे। और इसी को अनाशक्त कर्म को ही योग कहा गया, अनाशक्त कर्म योग। एडिक्शन ना हो, ईश्वरीय काम है, ईश्वरीय चिंता है, ईश्वरीय ड्यूटी है, ईश्वरीय भाव से करके डिटर्मिन ढंग से करके दे दें, अपना उसमें अटैचमेंट है। बैंक वाले जाता है दिन भर में न जाने कितने करोड़ों नोट गिन करके दे दिए, बिना अनाशक्ति पूर्वक गिन रहा है, दो बार तीन बार चार बार मत दे रहा है, एकदम दो बार गिरेगा तीन बार गिरेगा ताकि एक भी अधिक मत दिया जाए, पेनाल्टी भरना पड़ेगा उसको, उसके काउंटर से नोट गबड़ा है, देखते हैं दो बार तीन बार चार बार उसे सुकर है। और यदि हेड मैनेजर है बैंक का, घोषणा कर दे कि आज जितना नोट गिनेंगे सब आपका, अब देखिए अब दो चार नंबर कम है रखो अपने घर पर जाना है, हो जाएगा ना गड़बड़ सड़बड़ कर। और शक्ति नाथ भी चमक भी पड़ गई, कौन इतना खाना पीना छोड़ के पसीना से लथपथ होकर भी करने लगे, ये हुआ करता है एडिक्शन का। और ईश्वर का काम है दिन भर गिने करोड़ों घर में जाएंगे छूछे खाने का महीने मिलने वाला, कितनी अनाशक्ति है, कितना बेहतरीन कर्म कर रहा है। अनाशक्त वाला स्थिति तभी हो सकता है जब व्यक्ति अज्ञात चक्र में स्थित होकर के संसार के प्रमुख कामों को करता है। इसलिए अज्ञात चक्र का ध्यान अलग ही बुद्धि का करने का, और शुरू से ही ध्यानात्मक यदि मंत्र जब और आए तब यहाँ से लेकर के ज्ञान को उठाते हैं। ना नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता, न मेधया न बहुना सुनते, न तर्कों से भी नहीं मिलता है आत्मा, न बहुत सारा सुनते जेलों को याद कर ले या सत्संग कर ले। यमेव ऐसे ढूंढते के न लभ्य तस्य आत्मा ढूंढते छोड़ स्वामी, जो आत्मा और सिर्फ आत्मा को वर्णन करता है उसके लिए अपना जीवन रखता है उसको भी मिल जाता है। तो हमारे टॉप प्रायोरिटी पर अभी साधना नहीं, इसलिए कभी कभी ब्रेकेज हो जाता है। एक नंबर पर यदि साधना रखें, आत्मा की भूख रखें, और सेकेंडरी में संसार के क्रियाकलापों को रखा जाए तो उस हालत में वह दूरी घटती है, तो लाभ मिलता है। प्रायोरिटी कहाँ दिया गया? तो ये अनाशक्त है, और अनाशक्ति ही कहीं ऐसा न हो कि भूलना है, इसमें अनाशक्ति को लोक में रखें और अपने आप के प्रति भी आसक्ति खत्म करनी पड़ती है। अहम
जगत व सकलम शून्य, मैं और सारा संसार शून्य है, क्योंकि सत्ता है ही नहीं। जहां भी सत्ता रखेंगे तो फिर निराकार शब्द नहीं कहलाएगा। कोई भी कल्पना, सारी कल्पनाओं से परिस्थिति लानी पड़ेगी। तो यही जब यहाँ के चक्र से आगे भागते हैं, सहस्रार चक्र में प्रवेश करते हैं, तो सिर्फ सुषुम्ना को जाते हैं। इसलिए कहा है वेद में कि ओम, ओम भी हमें ओम से भी आगे बढ़ना पड़ता है, ओम को भी छोड़ना पड़ता है। ओम धनुष है, ये देखिए ओम है, ओम को कह दिया ये है, ये धनुष है, ये तीर हो गया, इसको कहा जाता है ओम। ओम कौन सा है? ये धनुष। और तीर को कह दिया जाता है आत्मा। और लक्ष्य क्या है? परमात्मा। अब देखिए यहां पर इतना करें, इससे केवल वही निकलेगा तो जा सकता है। ओम को भी छोड़ना पड़ता है। ओम हम क्षण आपको आज्ञा चक्र में ही खत्म हो जाता है। यहां से ऊपर सिर्फ प्रकृति को छोड़ दिया है, यानी ओम को रथ कहा जा सकता है। हमें वहां तक ले जाएगा जहां प्रकृति का लास्ट बाउंड्री हो, यानी हर जगह ब्रह्म है, तो जहां तक जो फ्रीक्वेंसी प्रकृति स्पंदन शुरू करती है, उस फ्रीक्वेंसी से ही अलग होकर शांत अवस्था में आनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि रथ से उतर कर पैदल जाना पड़ता है। रथ तो बाहर ही नहीं रहेगा, तो सारी ध्वनियों का स्वप्न है, तो चाहे अनाहत हो या आहत हो, सारे शब्दों से पर शब्दम स्पर्शम, तो यह ध्यानात्मक स्थिति नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो अभ्यास हमें करनी चाहिए, और अभी के लिए विराम दे दिया जाए। और वही जब ब्रह्म मुहूर्त में है तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ब्रह्म का मुहूर्त कह दिया जाता है। आध्यात्मिक नाम वो गया सविता। किरणें आने लगती है तो आदित्य कहलाने, और प्रकट हो जाते हैं तो सूर्य कहलाने, उनका बॉडी हो गया है। सूर्य महाप्रलय में भस्म समाप्त हो सकता है, लेकिन सविता नहीं, आत्मा नहीं। फिर उसी क्रम से प्रश्न प्रणाली चल रही, तो सविता का ध्यान और मृदन को सीधा रख कर दिया जाता है, तो लाभ अधिक मिलता है। गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे तो साधक के पास रिंग के छनों फूट में साउंड एनर्जी जाकर सविता को टच करके उनकी शक्ति को लेकर फिर साधक बढ़ती है। इसको शब्दवृत्त कहा जाता है, एक भाववृत्त बनता है। उच्चारण करते समय साधक क्या सोच रहा है उसी का आधार पर यही ब्राह्मी चेतना साधक में भूल जाती है, तो दोहरा लाभ मिलता है। शब्दवृत्त का लाभ सबको मिलेगा, पढ़ा अनपढ़, आस्तिक नास्तिक सब, क्योंकि वो सौम्य नदी के आधार पर मिलेगा। और भाववृत्त के आधार पर साधक अपने अपने मेंटलिटी बौद्धिक धरातल के आधार पर मिलता है, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। एक बार उच्चारण करेंगे, गुरु जी को प्रणाम किया जाए। आनंदमय कोश में आनंद एक और जगह बंद है कैप्सूल में, उसको भी दीवार को तोड़ना होगा। आनंद सीमाबद्ध था, उस सीमाबद्ध बाउंड्री को तोड़ दें तो आनंदमय कोश बढ़ गया। कोश यानी बंधन, पांच कोश पांच बंधन थे, एक एक बंधनों को तोड़ा गया। आनंदमय कोश में बंधन रोग दुख था, रोग दुख को तोड़ डाला गया, आनंद बढ़ा, आत्मा की स्मृति बढ़ी। कमजोरी का एक बंधन था, प्राणिक कोष, इम्यून सिस्टम कम था तो कष्ट भोग रहे थे,
कमजोरी के बंधन को तोड़ डाला, प्राण शक्ति बढ़ा कर और थोड़ी आनंद वृद्धि हुई। निगेटिव थॉट का एक बंधन था मनो में कुछ, उस निगेटिव थॉट को हमने तोड़ फाड़ डाला, हर हाल में पॉजिटिव थॉट के अभ्यास आ गए, मन का भी बंधन टूट गया, पॉजिटिवनेस भाग रहे हैं। और एक था अविद्या का ईगो वाला बंधन कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तोड़ करके मैं कुछ भी नहीं हूं सिवाय आत्मा, आत्मा के सिवा कुछ और मान लेते हैं तो जीव कहलाए, आत्मा माने अपने आप को तो जीव नहीं शिव कहलाए। और वैसा ही व्यवहार भी हो, आत्मा कष्ट नहीं हो तो शरीर के कष्ट होने से आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए, यदि कष्ट भी कर रहे हैं यानी अपने का आत्मा नहीं शरीर मान रहा है एक पहचान। तो धीरे धीरे करते जाएंगे खान पान प्राणायाम आसन तक ज्ञान मिलते जाता है, चेतना शुद्ध होती जाती है तो अपना बुद्धत्व बदलते जाता है, अनुभव में आने लगेगा, बिना प्रैक्टिकल के अनुभव में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आम खट्टा होता आम खट्टा आपको कह देगा सर ठीक है, इमली खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, अब खट्टा किसे कहते हैं उसको मालूम है नहीं तो काले रंग से चलेगा, इमली खट्टा होता है तो चीनी मीठा होता है, इमली खट्टा होता है चीनी मीठा होता है, रटते जा रहा है वहां जाते जाते देख भुला गया तो चीनी खट्टा होता है इमली मीठा होता है उल्टा कहने लगे, यदि टेस्ट करा देंगे तो भुलाएगा रटना भी नहीं पड़ेगा। और खट्टा कैसा होता है, इमली का खट्टा कैसा होता है, तो खट्टा कैसा होता है तो कैसे लिख सकते, किताब में लिखा जा सकता है कलम से कि खट्टा ऐसा होता है, यानी अनुभव को किसी भी काल में कभी भी लिखा नहीं जा सकता, अनुभव सत्य है सत्य को नहीं लिख सकते, इमली खट्टा होता बस, तो उसको उस वस्तु को टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट कर लेना। गुलाब का भी गंध सुगंधित है, केवड़े का भी सुगंधित है, मोगरा का भी सुगंधित है, चमेली का भी सुगंधित है, और लोग पूछ रहे कि इनके गंधों में क्या अंतर है, कागज भी दे दे कलम भी दे दे और कहे कि आप स्त्री है ना जी है साइंटिस्ट है ना है तो लिखिए इसके गंध में क्या अंतर है, नहीं लिख पाएगा, शब्द खत्म है, विज्ञान खत्म है, हाथ भी काम नहीं करेगा, खोपड़ी भी खत्म, जहाँ खोपड़ियां भी जवाब दे रहे लोग लिखते हैं। तो चुप चुप किसी का कुछ नहीं, आहा खाली करेगा आहा बस मस्ती खाली बताएगा। अच्छा यदि उसके जैसा कोई और रहता गुलाब का गंध कैसा होता है तो गुलाब का गंध गुलाब जैसा होता है बस, गुलाब जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके इसलिए ईश्वर अद्वितीय कहलाता है, इस संसार में हर चीज का नकल कहीं नहीं, एक पेड़ की दो पत्तियां नहीं मिलेंगी, यदि मिला देंगे तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा तुरंत, एक परमाणु के दो अलग अलग एलिमेंट्स अपने परमाणु को भी दूर नहीं देते, एक इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा है तो दूसरा का यहां पहुंचा है उसका कन्फ्रिक्शन अंतर पड़ जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम है अद्वितीय, और कणकण अद्वितीय है तो कणकण ईश्वर है, अब क्या साबित किया है, कभी तो डुप्लीकेशन रहता हुआ उसी के जैसा है बस, अद्वितीय अनंत शक्तियों से युक्त है, कणकण में सारी शक्तियां सभी में भरी है ठीक है। एक तो आप इसमें देखते हैं आनंदमय कोश को टेक्निक बताई जाती है कि गुलाब का गंध चाहिए तो गुलाब आप लीजिए, नाक के पास ले जाइए, गहरा सांस कीजिए, इसे कहते हैं प्राणायाम कीजिए, ऐसा कीजिए तो बहुत होने लगे, तो ये टेक्निक भी बताई जाती है, कुछ ऐसा करने पर पता चलने लगता है कैसा, तो सिर्फ टेक्निक्स बताया है उपनिषद ने, सब टेक्निक्स बताते हैं ऐसे करने पर बोधन तो होता है, तो प्रैक्टिकल जो जो किए उनको अनुभव आया, प्रैक्टिकल ही किसी भी तरह के प्रैक्टिकल से गायत्री साधना, क्योंकि जिस विषय पर साध रहे हैं वो प्राण है और प्राणों पर नियंत्रण गायत्री साधना, तो ब्रह्मांड के सारे प्रैक्टिकल्स गायत्री साधना कहा जाता है, क्योंकि प्राण से ही सब कुछ बना है, दूध से दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, खोआ बनता है, मक्खन बनता है, मूल प्रोडक्ट तो दूध है, ऐसे ही पृथ्वी का तरी का तो जल तक ये कहां से बना है, प्राण नामक दूध से सब बने, प्राण मौलिक एनर्जी, तो संसार की किसी भी वस्तु
गायत्री भुवा इदम सर्वम, छंद को प्रश्न करता है कि यहां प्राण के सिवा सृष्टि में कुछ भी नहीं, तो किस चीज पर नियंत्रण कर रहे हैं, यानी प्राण की साधना कर रहे हैं, गायत्री की साधना कर रहे हैं। ये गायत्री को भी जानाती, सर्वम जानाती सनन, शिव जी पार्वती जी बता रहे हैं, पार्वती जो गायत्री को जानता है वो सब कुछ जानता है, क्योंकि प्राण को जान गए तो सारे प्राणों को नीचे जान जाए। जनाती इमाम रजस्तस्य, जो इसको नहीं जानता है, सर्वा विद्या सुमिष्ठा लास्य, सारी विद्याएं इस पर, क्योंकि मिसयूज करेगा, टेक्निक नहीं मारे। नायब आत्मा बलिने लगते, ये आत्मा बलिनों को नहीं मिलता, क्यों, ये अपासी वृत्तियां अवचेतन मन में है, प्राणों को बाध्य करते नीचे जाने के लिए, सर्वा क्रिया को फेंक देता है। तो ऐसा बल चाहिए कि निचले प्रवाह को भी रोके, मुड़े ऊपर जा सके, और वह तब होगा न प्रमदाता, साधना हमारी है वो ब्रेक न करे, भले थोड़ा हो, दो मिनट तो पर डे, दो मिनट सात बजे तो पर डे सात बजे, नहीं सात बजे टाइम नहीं मिलता तो नौ बजे भी कभी तो टाइम मिला, तो नौ बजे तो पर डे नौ बजे, तो दो मिनट की साधना घंटों की साधना तो बस कर दे, इतना ताकतवर होता है, हार्मोनिक लयात्मक गति चाहिए, लोहा का कड़ा टंगा हो और घन शरीर मारे एट रैंडम तो नहीं मिलेगी, पांच ग्राम के कॉल से हार्मोनिक मारे कुट 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 एक बार एकदम गिरने लगेगा, यह है लयात्मक। तो हमारी साधना कभी भी लय नहीं पकड़ती, कभी दस बजे किया, कभी बारह बजे किया, कल दो मलक लिए, आज दस मलक लिए, दवाई लिए थे डॉक्टर गोल गोल पूंजी में, गोल गोल तीन बना दी, सुबह शाम तो भरी का, सुबह शाम तो भरी, दो दिन भुला गए, अरे दो दिन याद नहीं पड़ता, छह गोली का होते सब खाते अंबर जाओ, ऐसी हमने करना। तो लयात्मक गति बहुत जरूरी है, हमने अपना अनुभव बता रहे हैं, थोड़ी साधना रेगुलर हो बहुत चमत्कार ला देते हैं। तो ये है इलाज की बात। तो अस्वस्थ भावनाएं हमें रोग पैदा करती हैं, स्वस्थ भावनाएं हमें रोगों से मुक्त करती हैं। स्वस्थ भावनाएं कैसे आएगी, तो जो भी हम लोग काम करते हैं समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह हमारे लिए कितना फायदा करेगा, दूसरों के लिए कितना फायदा करेगा, समझदारी भरा दृष्टिकोण रखा गया तो प्रज्ञा जागृत होती है, अभ्यास बढ़ता गया और नियंत्रण होता गया, घरेलू सिस्टम से आगे बढ़ा जा सके। तो आइए हम एक और देखें कि हम कानंद और कहा पीटे, तो कला में बन रहे, कला कला कहते हैं प्रकाश की एक पतली किरण देखी नहीं जा सकती, एक प्रकाश की पतली किरण को हम नहीं अनुभव लेंगे, उसके समुच्चय को आंखें पकड़ने लगे, तो प्रकाश तरंगों के समुच्चय को जो हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती है कला कहलाती है। एक परमाणु को नहीं देख सकते, लेकिन वही परमाणु कलेक्टिव हो गया, इतना बढ़ता हूं उसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो अभी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती है प्रकाश तरंगों को, उनके किरणों के समुच्चय को, तो उस अनुभूतियों को कला कर दिया। तो आंखों के द्वारा हम बंधन में पड़ते हैं, मुक्त होते हैं। अब सूर्य की किरणों को देखिए, तो केवल सफेद दिख रहा है, फिर यम से टकराया स्पेक्ट्रम बना बैगनी कास्तानी हरा पीला नारंगी लाल, और किसी एक किरण से अपने आप को आदि बना दिया देखने का, लाल लाल पसंद है, लाल लाल पसंद है, तो काला वाला सफेद की लड़की बन जाएगी किरण से। गायत्री साधक है तो सूर्य है, तो सारे रंग तो सूर्य से निकले हैं, तो फिर काला अशुभ क्यों, हम लोग शुभ अशुभ नहीं मान सकते हैं। दुल्हा दुल्हन की शादी होने जा रही है, इंस्ट्रूमेंट कलर लाइएगा, मलकिनी कहती है माली से, लाल पीला वाला लाइएगा खाली, काला मत ला दीजिएगा, काला शुभ मानते हैं तभी ला दिए, तो काला जब यह शुभ रहता तो भगवान जी बाले काला बनाते, हे दुल्हा राम शुभ शुभ विवाह है, शुभ शुभ जाना है, बाल छिड़वाओ छिड़ो मुंडन करो, काला है अशुभ है ना, हम लोग अपने ही पछड़े में फंस गए, जहरीले बना देते, अपने आनंद को खत्म कर डाले। अच्छा सुख सुख शादी हो रहा है, सारे बरात जो जा रहे हैं सारे सुख सुख बन के जाए, सभी की पुतलियां काले रंग की, निकालो प्लेट में कहो अपना अपना पुतली लो, मजा कितने बोझाई हो गए हैं, अपने आनंद को पीटने पड़ दिया है खुद ही, कभी रंगों में तो कभी
टाइम एंड स्पेस में कभी साउंड में बंद कर दिया तो आनंद कैसे मिलेगा? इस बॉडी को ब्लास्ट करने को आनंद में कोई इशारा नहीं करेगा, बताए ना, क्लियर? बहुत सरल है, खत्म करनी पड़ेगी। और वही जो है माता जी दुल्हा के, जब बेचारा दुल्हा परिछाने के लिए चल पड़ता है, कभी यहाँ मंदिर के पास से परिछाएगा और चल पड़ेगा, फाइनल दुल्हा बन के यहाँ से डिस्पैच, तो वहां पर डिस्पैचिंग के समय में बेचारा का भोला भाला चेहरा, आंख में काजल काला लगाने के दौड़ती है, चूना तो मत है, सफेद सफेद लगाइए, चूना चूना लगे, इसका बढ़िया लगेगा, एक्सपेरिमेंट करो, हर जगह हम लोग अपने फंसाए। तो ये रंगों के पचड़े से अपने आप को बाहर निकालें, ईश्वर सभी रंगों में है, सभी शुभ है, हवन कुंड करते हैं कितना शुभ हो रहा है, नीचे काला है कि नहीं? रुद्र भगवान है शिव जी, तमोगुण काला, रज विष्णु लाल, व्हाइट ब्रह्मा सतोगुणी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जिसको सतोगुणी मानेंगे उसको ब्रह्म कह दिया, यदि विष्णु को सतोगुणी मानेंगे तो लीला वाला विष्णु, ब्रह्मा कुला, ये सब सतरजतम की भाषा है। तो अब है कि तीनों है, तभी जाके अग्नि निकले, यज्ञाग्नि, तीनों के समन्वय से योग्य अग्नि निकलते हैं, आत्मा प्रवृत्ति, एक को भी हम गौन कर देंगे तो हमारा आनंद कुंठित हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, इसको हम लोग बिल्कुल बाहर है। हर एक तिथियां, हर एक कलर, हर जगह में ईश्वरीय चरित्र, इसीलिए ऋषियों ने क्या किया कि परम त्योहार कुछ शुक्ल पक्ष में दे दिया अंजोरिया में, कुछ कृष्ण पक्ष में अनहरिया में। अब काला शुभ माह में तो कृष्ण भगवान तो गए हाथ से,